अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है और बेसिकली इट्स गोइंग टू एड्रेस द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स जो कि आजकल हमें ऑनलाइन स्टडीज में आ रहे हैं। तो इस पे मैंने बहुत सारे टीचर्स से भी कांटेक्ट करके पूछा कि क्या उनको मसले आ रहे हैं, और बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स से भी पूछा कि यार आप लोगों को क्या मसले आ रहे हैं। और आई थिंक ये इस वक्त हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग टुडे आर गोइंग टू गो इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड, तो जब तक अगर वो कुछ सीखेंगे नहीं सही तरीके से तो प्रैक्टिकल फील्ड में क्या करेंगे। तो थोड़े से जौन से मसले मैंने देखे मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। लाइक UMT के एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि यार आपको क्या मसला आ रहा है, तो उसने कहा कि यार न्यूमेरिकल हमें ऑनलाइन समझ ही नहीं आ रहे। फिर इसमें यह कि स्टूडेंट्स को डाउट्स को जो उनसे वो सही तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है क्लास में, स्टूडेंट्स तंग कर रहे होते हैं, अक्सर किसी का कोई नेट प्रॉब्लम नहीं होता, नेट प्रॉब्लम होता है, टीचर्स को नेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, आपकी कॉल वगैरह स्टक हो जाती है। तो इसी तरह मैंने UCB के कुछ स्टूडेंट्स से पूछा एंड व्हाट ही सेड वाज कि यार द थिंग इज कि हमें यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को प्रॉपर ट्रेन ही नहीं किया जाता ऑनलाइन ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे इशू आ रहे हैं। तो इवन द बेस्ट टीचर्स जो उनसे हैं वो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़ाएं ऑनलाइन में। मोस्टली स्टूडेंट्स क्लास अटेंड ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनकी अटेंडेंस लग सके, या उनके मार्क्स ना कटें, या उनके क्विज में मार्क्स ना कटें। और अनदर UCP स्टूडेंट सेड के यार वो असाइनमेंट्स इस तरह के देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती, मतलब अगर यार आप ऑनलाइन दे रहे हो तो एटलीस्ट इस तरह का करो कि आप स्टूडेंट्स को समझता है, क्योंकि अब हमने बहुत सारी चीज़ें अक्सर आप इस तरह की पढ़ते हैं अगले क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, जो आपने पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, कुछ रिसर्च का काम है। अब हमारे पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम है एक स्टडी का कि हमें रिसर्च सिखाई ही नहीं जाती। मैं अपनी ही बात कर लूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर है, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, और हमें रिसर्च का ऐसे जितना कुछ नहीं पता। अब हमें कह रहे हैं आप रिसर्च टॉपिक दें, आप थीसिस जमा करें, आप पेपर्स जमा करें, आप फलां जगह से जाएं, आप प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाएं, आप इसका हाइपोथेसिस दें, इसके वेरिएबल्स लिखें, तो यार हमने पहले कभी सीखा ही नहीं। अब ऑनलाइन आप वैसे ही एक तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी नहीं रहता और फिर समझ भी आज भी कुछ नहीं आ रही, वेदर इट बी नेट प्रॉब्लम और एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक टीचर्स को भी थोड़ा देखना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ा गौर करना चाहिए कि यार आप कर क्या रहे। और एज आई सेड अर्लियर कि मैंने कुछ टीचर्स से भी पूछा था कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली कोई नहीं, कुछ व्हाट द फक, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, मतलब लर्निंग कुछ नहीं हो रही, इट्स ऑल जस्ट थ्योरी, जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए बैठा हुआ है और वो थ्योरी रटी जा रहा है और उसे पढ़ाई में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर स्टूडेंट्स की मिसबिहेविंग बीच में, ये तो होगा बिल्कुल ऐसे। और फिर दूसरा इंस्टीट्यूट के वाले से मैं कहूंगा कि यार आपने रमजान की कोई मतलब आपने अमेंडमेंट्स ही नहीं कही, रमजान चल रहा है आप थोड़ी टाइमिंग डिले करते हैं, ऑनलाइन है आप किसी भी टाइम बैठ के क्लास ले सकते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को बाउंड करेंगे आप टाइमिंग चेंज हो कि आपके रमजान के टाइमिंग ये हैं, आपकी ये टाइमिंग है, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। फिर एक और टीचर ने मुझे ये बताया कि जी हमारी कोई इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताया इंस्टीट्यूट ने कि आपको इस तरह से करना है, सिर्फ बता दिया जी ये करना है, टीचर फिर अपने हिसाब से पढ़ाता है, सब कुछ करता है, प्रॉपर एक वे आपको नहीं बताया। आई थिंक जैसे गूगल क्लासरूम इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म और उसके साथ, लेकिन अगर आप बहुत से इंस्टीट्यूट इस तरह जूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत से स्टूडेंट्स यू नो सीरियस नहीं होते, आई थिंक दे शुड बी मेच्योर इनफ नाउ कि यार आप बड़े हो गए हो, फिर उस्ताद का एहतराम होता है और हमारे मज़हब में भी उस्ताद का बहुत ज़्यादा एहतराम है, तो उसके ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, किस तरह की हरकतें कर रहे हो। फिर आजकल इस पेंडेमिक में, कोरोना की सिचुएशन में, ऑब्वियसली हर किसी को यार मतलब सारे हम जो भी काम कर रहे हैं उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो टीचर्स को पे का बहुत ज़्यादा मसला है, टाइम पे नहीं मिल रही, तो इंस्टीट्यूट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि वो टाइम पे दें। और एक और प्रॉब्लम जो टीचर ने बताया कि जी स्टूडेंट्स बड़ी इजीली बहाना बना के क्लास छोड़ जाते हैं कि जी हमारा नेट सही नहीं आ रहा, अब टीचर इस सिचुएशन में क्या करें कि मतलब हो सकता है उसका वाकई में नेट खराब हो लेकिन स्टूडेंट्स करते हैं इस तरह से, और इसका भी कोई सलूशन होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें
मैंने यहाँ पे लिखी थी कि क्या हो सकता है। देखिए जी, हमारे पास प्रॉपर असेसमेंट टूल्स नहीं है, तो प्रॉपर असेसमेंट टूल्स होने चाहिए कि अगर आपका कोई काम कर रहा है ऑनलाइन, क्योंकि हम ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, हमारा अभी भी पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वी आर नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। तो हमारे पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप ही नहीं है, तो उन्हें ना वर्ड यूज़ करना आता है, ना एक्सेल यूज़ करना आता है। इसी तरह बहुत से घरों में अभी भी इंटरनेट लोग यूज़ नहीं करते, तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि महीना या एटलीस्ट जितने भी टाइम के लिए कर सके इजीली वो क्लासेस वगैरह बंद कर दें, और अगर उन्होंने कर सकते हैं, जिस तरह से बहुत से ताजरान की शॉप्स खोल दी हैं, छोटी मोटी ज़रूरत की शॉप्स खोल दी हैं, इसी तरह वो इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं छोटे बच्चों की नहीं कह रहा, छोटे बच्चों का कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन द वंस हु आर एट द एंड ऑफ देयर बैचलर्स और एट द एंड ऑफ देयर मास्टर्स, उनकी जॉब का मसला है, तो उनके लिए सिर्फ आप इंस्टीट्यूट्स खोलें और उन्हें कहें कि जी आप प्रॉपर SOPs फॉलो करें। SOPs ऑब्वियसली अब सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये इजीली SOPs फॉलो कर भी सकते हैं, तो गवर्नमेंट को इस तरफ आना चाहिए। और इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि जी हम, ये डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता कि इंस्टीट्यूट्स खोलें, तो उन्हें एटलीस्ट क्लास के अंदर सीरियस होना चाहिए, पढ़ाई पे गौर करें, उस्ताद का एहतराम करें, और तभी आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर बताई हैं, कोई इनको एड्रेस कर सकता है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ से स्टूडेंट्स का मसला सॉल्व हो, तो इसे प्लीज़ शेयर करें। और अगेन, स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल जो भी पढ़ाया जा रहा है, ऑल दे आर फॉर ऑनलाइन इस कि उनकी अटेंडेंस लग जाए, उनके मार्क्स ज़ाया ना हो, और टीचर्स भी फोर्सफुली सिर्फ पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके इंस्टीट्यूट ने कहा, जबकि उनको बहुत सारे पेस का भी मसला है, तो इसको भी कोई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको चेक करना चाहिए कि किस तरह से क्या काम हो रहा है। तो डेट्स ऑल, डू शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।